फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 मीटर कपड़े का पटियाला सलवार बनाना बताऊंगी। काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रही थी कि पटियाला सलवार की कटिंग स्टिचिंग बताइए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 मीटर का फैब्रिक लिया है, जो कि ये रेयॉन फैब्रिक है। हमने रेयॉन फैब्रिक का पटियाला सलवार बनाना है। तो बनाना से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें रखना है लंबाई 40 और कमर भी 40। तो चलिए कटिंग, सबसे पहले हम कमर निकालेंगे। तो पहले इस फैब्रिक को इस तरीके से खोल लेते हैं और इस तरीके से डबल करते हुए पहले हम बेल्ट निकाल लेते हैं, यानी कि कमर की पट्टी। तो यहाँ से हमें इस तरीके से लेना है और हमें 6 इंच का कमर का पट्टी बनाना है। तो यहाँ से टेप लेंगे, इंची टेप, और कमर का पट्टी के लिए पहले हम यहाँ पे 2 इंच का मार्क लगाएंगे, जो कि ये मार्किंग बेल्ट की होगी, जो बेल्ट फोल्ड होगा। तो यहाँ हमने 2 इंच का फोल्ड के लिए ले लिया है। ये देखिए, इस तरीके से आपको दिखेगी। उसके बाद यहाँ से हमें 6 कंप्लीट चाहिए, तो यहाँ से हम 6.5 पे एक मार्क लगाएंगे। पूरी लंबाई हमें 8 इंच चाहिए, तो फिर यहाँ से भी 8 इंच पे मार्क लगा देंगे इस तरीके से। और इसको लेंगे ऐसे और सीधा मार्क लगा देंगे, तो यहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए ये। तो ये कमर की पट्टी पहले निकाल देते हैं। यहाँ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा हो उसको भी आपको छांट लेना है। अब बेल्ट यहाँ से निकाल देंगे, कम होगा ज्वाइंट लगा लेंगे। कम अगर इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा बढ़ाना है, तो इससे जो फैब्रिक निकलेगी उससे हम ज्वाइंट कैसे लगाएंगे वो भी बताएंगे। तो ये बेल्ट हो गई। अब चलिए सलवार की मेन वाली पार्ट्स कटिंग करते हैं। तो ये हमें ऐसे लेना है और इसको करना है ऐसे डबल। ये देखिए, ऐसे हमने डबल किया। डबल करने के बाद इसको हमें करना है 4 फोल्ड। ये 4 फोल्ड करने के बाद ये हमें बीच वाला पार्ट्स निकालना है। इसी से बीच वाला पार्ट्स निकालेंगे। तो बीच वाले पार्ट्स हम निकालने से पहले यहाँ पे हमें पोंछा के लिए 1.5 से 2 इंच रखना है। तो यहाँ हम इस तरीके से लेंगे ऐसे, ये बीच में, उसके बाद कली कटिंग करेंगे। तो इसको ऐसे लेंगे और यहाँ मोहरी के लिए हमें 2 इंच लेना है और इसको 2 इंच का मार्किंग लगाना है। उसके बाद बेल्ट हमें 6 इंच का, तो 40 में से 6 डिस्काउंट करना है। 34 इंच लेंगे, ये 34 लेंगे, 1/2 इंच सिलाई में जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ से ऐसे लेना है और ये 34.5 इंच वाले को सीधा ऐसे मार्क करना है। ये हो गया, बीच वाला पार्ट्स। ये बीच वाला हमने पार्ट्स कटिंग कर लिया है। इसमें ये हमने 4 फोल्ड किया है। अब इसको ऐसे करके इससे दोनों पैर के लिए अलग अलग निकाल देना है। तो इससे हम अलग अलग दोनों पैर के लिए निकाल लेते हैं, 2 पार्ट्स में इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, हमने दोनों पैर के लिए कटिंग कर लिया है। ये 2 पार्ट्स हो गया इसमें। अब हमें कली कटिंग। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रही थी कि कली मुझे कटिंग करना समझ में नहीं आती है। तो देखिए, जो फैब्रिक बचा है उसको इस टाइप से लेना है। यहाँ से हमें ऐसे लेना है और इसको पकड़ना है डबल ऐसे। ये देखिए, ऐसे डबल पकड़ना है। और कली कटिंग हमें कैसे करनी है, तो ये देखिए, यहाँ से हमें इस तरीके से लेना है। ऐसे हमने डबल करके रख लिया। उसके बाद ये बंद वाला साइड इधर है, खुला वाला साइड इधर है। तो जो भी है उसको हमने डबल कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से सफाई से हमने डबल करना है। ये डबल फोल्ड है ऐसे। ये देखिए, ये ऊपर हमने कोर कर दिया है ऐसे, ज़्यादा घेर होगा, ऐसे हमने डबल किया। उसके बाद इधर साइड से हमें आसन का नाप लेना है। तो आसन का नाप कैसे लेंगे, पहले इसको सफाई से रख लेते हैं। नीचे ऊपर दोनों बराबर होना चाहिए यहाँ। उसके बाद यहाँ से आसन, ये वाला साइड म्यानी के लिए आसन निकालेंगे। ये बिना म्यानी वाला बना रहे, तो यहाँ से लेंगे और यहाँ से हमें लेना है आसन के लिए 8 इंच। 8 इंच लेना है। उसके बाद फोल्ड करना है इसको। तो फोल्ड करने से पहले इधर से नाप लेंगे यहाँ, ये बीच वाला पार्ट्स लेंगे और इसी की लंबाई से
नापेंगे यहाँ ऐसे, इस तरीके से नापना है और इतना हमें छोटा बनाना है। तो इतना छोटा बनाएंगे तो इधर से भी जितना हमने पोंछा के लिए लिया था उतना छोटा इधर से रखेंगे, तो दोनों साइड 8-8 इंच बच जा रहा है। तो दोनों साइड से मार्क ऐसे 8-8 इंच पे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से कली तिरछा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हमने तिरछा इस तरीके से फोल्ड करना है, सही से बैठा लेना। इधर से भी हमने 8 इंच ले लिया आसन के लिए और इधर से भी हमने 8 इंच ले लिया। अब कटिंग कर लेते हैं कली की ऐसे, ये देखिए इसी तरीके से कली की कटिंग होती है। ये इस तरीके से अगर आप कली कटिंग करेंगे फिर आपको इधर ज्वाइंट आ जाएगी, तो ज्वाइंट आएगी तो इसको भी आपको अलग कर लेना है। बंद वाला साइड आ जाएगा उसको हमें खोल देना है। तो इधर बंद वाला साइड आई है, फिर ये वाला बंद वाला साइड है, फिर इसे भी खोल देना है ऐसे। बंद वाले साइड को हमें खोलना है, तो बंद वाला साइड हमने खोल दिया। अब हमें क्या करना है, ये कली को हटाना है और इस तरीके से ये लेना है, इसी में दोनों कली है। और उसके बाद बीच वाला पार्ट्स लेना है, तो बीच वाला पार्ट्स ले लेते हैं। एक पार्ट्स हम ले लेते हैं, ये एक पार्ट्स इससे लेंगे ऐसे, हमने ले लिया। उसके बाद इसी से हमें ये बीच में डालना है ऐसे। बीच में डालने के बाद दोनों साइड से हमें कली की ज्वाइंटिंग लगानी है ऐसे। तो चलिए अब इसमें हम ज्वाइंट कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, इसके ऊपर इसको डालेंगे एक साइड से, पहले एक कली की ज्वाइंट लगाएंगे, ये यहाँ से इसके ऊपर डाल देते हैं और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं। पहले पार्ट्स के ऊपर हमने कली को डाल दिया है, अब 1/2 इंच पकड़ते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ बीच वाले पार्ट्स के ऊपर हमने कली ज्वाइंट कर लिया है, तो देखिए कली ज्वाइंट होने के बाद कुछ इस टाइप का आ गया। अब दूसरे साइड का कली ज्वाइंट करेंगे, तो फिर यहाँ से हमें एक कली लेना है यहाँ, तो ये हमने एक कली लिया, फिर इसको इसके ऊपर डालकर ये कली को इसके किनारा, फिर 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स देखिए बीच वाला ये पार्ट्स हो गया, दोनों साइड से कली ज्वाइंट हो गई है। अब इसी तरह दूसरा वाला पल्ला को रेडी करेंगे। ये बहुत ही घेर वाली पटियाला बनेगी, 3 मीटर वाली ये पटियाला है। ये देखिए 3 मीटर में आप 40 इंच की इजिली बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कली ज्वाइंट हो गई इसमें। अब दूसरा पल्ला रेडी करते हैं। दूसरा पैर का भी कली हमने ज्वाइंट कर लिया है, बीच वाले को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब दोनों बीच के पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे, तो इसको इस पे ऐसे ज्वाइन करेंगे। इसी तरह दूसरा को भी ज्वाइन करना है। इस तरीके से हमने मिला लिया है इसके ऊपर। अब इसी तरीके से ऐसे सिलाई 1/2 इंच पकड़ते लगाना है। इधर के आसन में भी सिलाई लगा दिया है, इधर के भी आसन में सिलाई लगा दिया है। अब प्लेट्स डालेंगे, तो प्लेट्स हम कैसे डालेंगे देखिए, इधर भी हमने सिलाई लगा दिया। अब इसको इस टाइप से रख लेते हैं, काफ़ी घेर है इसमें। तो पहले दोनों सेंटर वाले आसन को मिलाएंगे ऐसे और प्लेट्स डालेंगे कैसे, तो चलिए मशीन पे चलते हैं और प्लेट्स डालना दिखाते हैं। तो पीछे इस टाइप से 2 प्लेट्स लगेगी और जितने प्लेट्स बचेंगी सब आगे लगेंगी, तो वो मशीन पे बताएंगे। यहाँ से हमने पीछे वाला पार्ट्स लिया है, तो पहले हम पीछे वाला में लगाएंगे। तो यहाँ से हमें लेना है ये 4 इंच, यहाँ से 4 इंच पे एक मार्क, फिर इधर से 4 इंच पे एक मार्क। पीछे वाले प्लेट्स को पहले डालते हैं, कैसे डालेंगे इसको उठाएंगे ऐसे और इसके ऊपर इसको डालेंगे, फिर इसके ऊपर इसको डालेंगे ऐसे और पीछे वाले प्लेट्स पे सिलाई लगा देंगे। तो ये लगा देते हैं ऐसे, फिर इधर से इस पे डाल देंगे ये प्लेट्स तो ये वाला हमने डाल
डाल दिया पीछे वाला, अब आगे वाला डालते हैं। यहाँ हमने आगे वाला लिया, फिर यहाँ से हमें लेना है 4 इंच पे एक मार्क, और फिर यहाँ से 4 इंच पे एक मार्क लगाना है। पहले चौड़ा प्लेट्स दे देंगे इसको, इसके ऊपर इधर से आएगी और ये इधर से जाएगी, तो पहले एक साइड से देते हैं, ऐसे लेंगे और ये 4 इंच वाला को इसके ऊपर उठा के डाल देंगे ऐसे, और इसी तरीके से इसके ऊपर चढ़ाते हुए सारे प्लेट्स को हमें डालना है। ये देखिए बहुत ही इजीली ये पटियाला बन जाएगी। इसी तरीके से सारे को एक साइड से हमने डाल दिया है ऐसे, पीछे के साइड अब हमें इतना छोड़ना है, तो कितना छोड़ना है पीछे के साइड, ये देखिए ये पीछे वाला प्लेट्स आ चुका है, वो मैं दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ से 8 इंच छोड़ दी हूँ, अब ये हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ अब ये आ गया इस तरीके से, इतना हमने डिस्टेंस रखा है क्योंकि बेल्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पीछे वाला है, ये धोती जैसा बनेगी, और ये आगे वाला अब दूसरे साइड का बनाते हैं। अब हमें पीछे से शुरू करना होगा, तो जितना हमने इधर छोड़ा है, फिर इसी तरह यहाँ पे से ऐसे मार्क लगाएंगे। हमने यहाँ प्लेट्स पकड़ लिया है, अब यहाँ से प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से दूसरे साइड का पीछे के साइड से लेंगे ऐसे, ये और आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं प्लेट्स बनाना। ये भी थोड़ा सा चौड़ा ही लेंगे ऐसे, अब सारे चुनट को हम आगे की तरफ ले जाएंगे। इस तरीके से सारे चुनट लग गए। मैं इसकी कमर दिखाती हूँ, अगर आपको कमर ज़्यादा लगे बेल्ट से तो आप एक दो प्लेट्स पीछे की तरफ लगा सकते हैं। चलिए बेल्ट बनाते हैं। बनाने के लिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ज्वाइंट कर लिया है, क्योंकि कमर थोड़ा ज़्यादा था इसलिए हमने इसमें ज्वाइंट लगा लिया है एक इधर, और इस तरीके से पटिया ज्वाइंट कर ली है सलवार से। बची हुई फैब्रिक थी पहले से, अब इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने लगा लिया, उसके बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ ऐसे पलटना है और एक सिलाई इस पे और एक सिलाई इस पे लगाना है। सिलाई इस पे, एक सिलाई इस पे, दोनों पे हमने सिलाई लगा दिया है। अब बेल्ट कैसे बनाएंगे वो देखिए, यहाँ से ऐसे लेना है और पहले 1/2 इंच हमें ऐसे अंदर की तरफ, और उसके बाद इस तरीके से सिलाई लगाना है दबाते हुए ऐसे, जिसमें हम डोरी डालेंगे। तो ये पहले बना लेते हैं। इस तरीके से हमने बेल्ट पे पूरे पे सिलाई लगा दिया है ऐसे। उसके बाद जो हमने ये बीच वाला सिलाई लगाया था, इसको यहाँ से थोड़ा सा धागा को सिर्फ कट करेंगे बीच से, और उसके बाद इसको ऐसे खोल देंगे, इधर से डोरी लगेगी। अब बेल्ट को सेट करते हैं कमर में। फ्रेंड्स, आप लोग की बेल्ट लगाने में ही काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, तो चलिए लगाना बताते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से बेल्ट हमने लिया है, ये हमने बेल्ट लिया है, इसको हमें ऐसे अंदर की तरफ डाल देना है पूरे गोलाई में, और उसके बाद इस तरीके से पूरे गोलाई में हमें 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया 1/2 इंच पकड़ते हुए पूरे पे सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे लेना है, और 1/2 इंच पे सिलाई लगाते जाना है। कमर और बेल्ट दोनों मेरा बराबर होना चाहिए, जब भी आपकी इसमें फिट आएगी। इन्हें लग गए, और इसको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए कितने फिनिशिंग से बेल्ट लग चुकी है। अब इसकी बनाएंगे पोंचा यानी कि मोहरी।
मैं पूरी बेल्ट की व्यू दिखा देती हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। चाहे तो इसके ऊपर सिलाई लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, मैं लगा लेती हूँ। ये मोहरी यानी कि पोंछा, तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग लिया है, ये इतना चौड़ा हमने लिया है 1 इंच वाली, और उसके बाद आप अपने पोंछा के साइज से कटिंग कर लेना है। उसके बाद इसको इसके ऊपर डालते हुए हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए ये वाला सिलाई पहले लगाना है। इसको पकड़ के पहले इसमें स्टिच कर देंगे हाफ हाफ इंच इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए पूरे को लगा दिया। उसके बाद इसको ऐसे पलटते हुए इसके किनारे एक एक सिलाई लगाना है, तो वो लगा देते हैं। ये वाला एक सिलाई हमने लगा दिया किनारे में। अब इसके ऊपर एक पहले बैठा देते हैं लगाकर सही तरीके से ये सिलाई। ये भी सिलाई हमने लगा लिया। अब इसके ऊपर जो भी डिजाइनिंग आपको बनाना है बना सकते हैं, तो बीच में एक और सिलाई लगाते हैं, हमने रख लिया है। अब इसके बीच में एक सिलाई लगा देते हैं। उसके बाद आप दोनों साइड से इसमें लहरिया बना देंगे, तो वो बना लेते हैं ऐसे। तरीके से ये वाले में भी बना देते हैं। दोनों साइड बन गए। अब इसको फिट करेंगे, तो फिट कैसे करेंगे वो देखिए, इस तरीके से लेना है और इसको यहाँ से फिटिंग करना। फ्रेंड्स, इसको फिटिंग करने से पहले इसी तरह हम दूसरा पोंछा पहले बना देंगे। हमने दूसरा पोंछा भी बना लिया, अब इसको फिट करेंगे। करने के लिए यहाँ से 7 इंच पे मार्किंग किया है, अब इसको फिटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से फिटिंग करना है, एक्स्ट्रा है पहले उसको यहाँ से कट कर लेंगे हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए ऐसे। ये देखिए, तो हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए इसको हमने कट कर दिया। अब फिटिंग पूरा कर लेंगे। आसन का साइड यहाँ पे है, हम दूसरे साइड आ गए हैं। दूसरे साइड तक हम आ गए। अब इसको हमने यहाँ से धागा कट कर लिया, जो एक्स्ट्रा था उसको भी कट कर दिया। अब चलिए इस सलवार की पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ कि हैवी पटियाला हमने 3 मीटर में कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पटियाला सलवार की पूरी फुल व्यू है आगे की। तो कैसे लगी आज की ये पटियाला सलवार की कटिंग स्टिचिंग, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा। ये पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी, बिल्कुल धोती जैसा लगेगा। तो देखिए इसकी पूरी फुल व्यू है, ये आगे का है। मैं बैक से दिखाती हूँ। ये देखिए बैक से कुछ इस साइड से है, पहनने में बहुत ही अच्छा धोती जैसा बनेगा। मैं आगे से भी दिखाती हूँ ऐसे। 3 मीटर फैब्रिक में आप 40 इंच की लंबाई वाली पटियाला सलवार बना सकते हैं। तो आज की ये पटियाला सलवार की कटिंग स्टिचिंग आप सबको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं इसकी कुर्ती भी दिखाती हूँ, कुर्ती के भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए ये कुर्ती भी हमने कैसे कटिंग स्टिचिंग किया है। इसका कुर्ती ये है, इसका लटकन का भी आपको कटिंग स्टिचिंग मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिल रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।